टायर ही निकल गया इसका। ये देखा साला, मैं क्या कर रहा हूँ, रोड ब्लॉक कर दिया इसने। गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस ब्लॉगर। तो आप लोग बढ़िया हो गए, मजे में हो गए, मजे में रहने चाहिए। तो हम लोग जा रहे हैं आज कोई ना और मोटो ब्लॉगिंग करके। तो अभी टाइम हो रहा है, देखिए हो रहा है 8:27। और कोई माँ कहाँ पर है वो बताऊंगा आपको जाते वक्त। स्टार्ट कर लेते गाड़ी को। हो गया गाड़ी स्टार्ट। चले तो गाइस डायरेक्ट मेन रोड पे मिलते हैं आप लोगों को, और उसके बाद बताता हूँ कोई माँ कहाँ पर है। तो गाइस हम लोग आगे मेन टाउन में, यहाँ से कोहिमा आपको 72 किलोमीटर है। तो यहाँ से कोहिमा अभी डिमापुर में है, यहाँ से 72 किलोमीटर जाना पड़ेगा। और आपको ये देखो सिग्नल भी नहीं दे रहा है, डायरेक्ट हाथ देके पार हो रहा है। तो कोहिमा के बारे में हम लोग को बता रहा हूँ। कोहिमा एक नागालैंड स्टेट का एक मतलब डिस्ट्रिक्ट है। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर वहाँ आके गए हैं कोहिमा में। पूरा हिल्स पहाड़ों के ऊपर घर है। तो चलिए और आगे रास्ता में भी अच्छे से व्यूज मिलेगा आपको। यहाँ से आपको करीब 10 किलोमीटर के बाद में आपको हिल्स सेक्टर स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। अभी तो प्लेन एरिया है, तो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर शायद होगा तो हिल्स सेक्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जा रहे हैं गाइस, तो जा रहे हैं। आप लोग भी सफ़र का मज़ा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा वीडियो सब। और अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय ये साइड में जाने का प्लान चल रहा है। अभी एक बार में राइड पे निकलने वाले हैं हम लोग, तो उसका प्लान चल रहा है, तो आप लोगों को बताऊंगा बाद में। ये देखा साला, आंसर का डालिए। तो गैस फ्यूल भरा रहे, चलिए तो निकलते गैस। अभी के जमाने में घोड़ा गाड़ी चल रहा है, देखिए घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी। अरे भाई क्या कर रहा है, पूरा रोड ब्लॉक कर दिया इसने। रोड ब्लॉक कर दिया। तो गाइस हिल सेक्टर स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पर एंटर कर चुके हैं पहाड़ों के रास्ता पर, एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर नदी है, ये गाड़ी यहीं खराब हो चुकी है। ये गाड़ी ऐसे रास्ते में आपको बहुत गाड़ी सब खराब मिलेगी, एक्सीडेंट कुछ हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया। हम लोग को जाना है राइट साइड, लेफ्ट साइड सीधा आसाम चला जाएगा, ये भी कम्प्लीट नहीं हुआ है। यहाँ से अभी कोहिमा आपको 54 किलोमीटर, इम्फाल 188 किलोमीटर। इसमें पहाड़ों पे जितने खूबसूरती है उतना रिस्क भी है, उतना डेंजर भी है। साइड से चला जाएगा, यहाँ से खुला है। अब आ गया हम लोग अपना साइड, यहाँ से ठीक है बोल के यहाँ से दिया हुआ है। यहाँ में टूल टैक्स बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि रोड अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके लिए यहाँ टूल टैक्स काम चल रहा है, यहाँ पर फाइनल नहीं हुआ अभी, टूल टैक्स हो रहा है यहाँ पर। गाइस पहाड़ को बीच से काट के रोड बनाया हुआ है, देखिए पहाड़ दो साइड पहाड़ है, बीच में रोड है। पाइनएप्पल बिक्री हो रहा है, देखिए पाइनएप्पल पाइनएप्पल। साहब क्या हो गया है, टायर ही निकल गया इसका। गाइस अभी यहाँ से कोहिमा आपको 36 किलोमीटर है, यहाँ से 36 किलोमीटर कोहिमा।
और व्यूज देखिए गाइस, नजारा देखिए पूरा मस्त है एकदम। ये देखिए इंडिया में बहुत सारे होटल है, जितने भी गाड़ी आते हैं कहीं से भी बाहर से, दिल्ली मुंबई हरियाणा जहाँ से भी आते हैं ऑल इंडिया ओवर से, सब यहाँ में रेस्ट करते हैं, यहाँ में खाना खाते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। ये जॉइन है एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर, दूसरे पहाड़ से तीसरे पहाड़ पर, पूरा जॉइन जॉइन होकर रास्ता तो बना हुआ है। अभी हम लोग वो पहाड़ में थे, अभी यहाँ आके यहाँ से और आप दूसरा पहाड़ में चला जाएंगे, इसकी वजह से हादसा हो जाता है। मतलब जितना खूबसूरत है हिल्स उतना रिक्स भी है, डेंजरस भी है उतना। ये देखिए पहाड़ पूरा काटा हुआ है, पूरा हिल्स, मतलब फोर लाइन होने की वजह से ज़्यादा ही हिल्स मतलब वो हो गया है, लैंडस्लाइड हो रहा है, देखिए ना। ये देखिए पूरा ऐसा है, ऐसा करके ऐसा है पहाड़, जिंदा पहाड़ है पूरा, पानी देखिए पानी झरना है। बैठिए नजारा देखिए, एंजॉय करिए, खाइए पिए। ये होटल का तरफ से बनाया हुआ है वो, ये होटल है पूरा वो देखिए बना हुआ है। आ चुके हैं अभी लाल माटी, इसको बोलते लाल माटी क्योंकि यहाँ में खाली लाल माटी, माटी लाल है मट्टी। वो देखिए ऊपर में कॉन्ट्रेक्शन में काम चल रहा है पूरा, कोई जा रहा है कोई गवर्नमेंट ऑफिसर, देख लेते हैं बाइक भी को, थोड़ा इंजन भी हीट हो गया वो ज़्यादा, उसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, यहीं बैठ जाते हैं, कुछ बना हुआ ऐसे ही। थोड़ा सा रेस लिए यहाँ पर, बाइक को भी थोड़ा ठंडा होने के लिए दिए, यहाँ में रुके हुए और यहाँ में देखिए नज़ारा चेक करिए। बाइक को भी थोड़ा ठंडा होने के लिए दिए, इंजन पूरा हीट हो चुका है, थोड़ा रेस कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ खा लेते हैं, यहाँ घर से टिफिन लेकर आए थे हम लोग, देखिए देखिए चना लेके आए, कच्चा चना। तो गाइस चना और खिचड़ी ये लेके आए, ये खा लेंगे उसके बाद निकलेंगे। गाइस खा चुके, ख़त्म हो गया पूरा, ये बच गया थोड़ा सा, इसको ले लेंगे वापस। हम लोग यहाँ रुके हुए, बाइक देखिए, हाँ एक ही व्यूज। गाइस हो गया निकलते हैं अभी, खाली अभी निकलेगा ऐसे तकरीबन 20 किलोमीटर होगा शायद, और रोड ख़राब है, काम चल रहा है, अभी भी काम हो ही रहा है। 7 ईयर 7-8 साल हो गया, फिर भी अभी काम ही हो रहा है, फाइनल नहीं हुआ है। ये 5 साल में कंप्लीट करने का बात है, मगर हिल्स एरिया है ना, बारिश के सीज़न में काम ऑफ होता है इसके लिए। ये देखिए लैंडस्लाइड हुआ है पूरा, पूरा लैंडस्लाइड हुआ है गाइस देखिए, इसके लिए वो साइड का रोड ही बंद हो गया। मतलब यहाँ में हमेशा लैंडस्लाइड होते रहता, कभी भी आइए लैंडस्लाइड, इसके लिए रोड कभी भी बनता नहीं, हमेशा लैंडस्लाइड मतलब जबड़ा गाड़ी आ जगह बोला जाता है इसको, देखिए ना पूरा लैंडस्लाइड, इस जगह को जबड़ा बोलते हैं ना इसके लिए। कोहिमा हो गया, कोहिमा टाउन ऐसे 4 किलोमीटर है, यहाँ से कोहिमा एंटर हो चुके हैं हम लोग। तो पहाड़ों पर देखिए, यहाँ पूरा नीचे खाई है, ऊपर घर है, पूरा ये पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है कोहिमा। टैक्सी है यहाँ पे, ऑटो नहीं चलता, खाली टैक्सी मिलेगा आपको, ऑटो रिक्शा है सब यहाँ में नहीं है, टैक्सी। पहाड़ों पे पूरा घर, क्या व्यू है गाइस, क्या नज़ारा है देखिए, पूरा पहाड़ों पे घर, ये तो खूबसूरती है हिल्स एरिया की। मुझे जाना है राइट साइड, हमें जगह कम होने की वजह से पूरा जाम, क्योंकि जगह कम नहीं, पार्किंग के साइड लेफ्ट साइड पार्किंग कर देते, राइट साइड पार्किंग हो जाता है, रोड भी कम है, हिल्स एरिया हो गया ना इसके लिए। कोहिमा भी सिक्किम, आप लोग सिक्किम गैंगटॉक जाइए, और कोहिमा सेम टू सेम जगह है, सिक्किम और गैंगटॉक जाइए। सिग्नल इधर का दे रहा है, जा रहा है किधर बता नहीं चल रहे, पुलिस है। पहाड़ पे भी देखे ऐसे अभयारण्य बने हुए गाइस, ऐसे पहाड़ पे भी इतने बड़े बड़े अभयारण्य बनाए हुए देखे ना। देखिए सिटी बस, ये आपको एक लाइन से जो है सिटी बस है, यहाँ के सिटी बस पूरा एक लाइन से पार्किंग किया हुआ है यहाँ,
सिटी बस हो गए। गाइस आप लोग ने एप्पल का वॉच देखा हुआ, एप्पल फोन देखा हुआ, एप्पल की कार देखो, वो देखिए एप्पल, नीचे सुजुकी, ऊपर एप्पल। शायद एप्पल का, एप्पल के शोरूम में काम करता होगा या कि एप्पल केयर में या कुछ लगा दिया। हम लोग आ चुके हैं बीयूसी, बीयूसी में आ चुके गाइस हम लोग। इधर में रुक जाते हैं, रुक के जिसको मिलना है उसको फोन करके। गाइस ये कुछ पूजा के लिए मांग रहे थे, ये हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है यहाँ पर, दिसंबर में होगा, तो वहीं पर जाना है। जिसको हम लोग मिलने के लिए आए ना, तो वहीं पे आने के लिए बोला है, तो वहीं जा रहे हैं। यहाँ पे आपको खाली टैक्सी और स्कूटी टैक्सी जो है वो, ये दो बस, वो दो ही मिलेगा आपको, ऑटो रिक्शा ऐसा कुछ भी नहीं है, ओला उबर भी नहीं है। ये देखिए यहाँ में इतना ठंड है, अभी आपको 11 बजे गर्मी होना चाहिए फुल, अभी ठंड है यहाँ पर, सब जैकेट स्वेटर लगा के देखिए। और अभी आप दिसंबर जनवरी फरवरी में आएगा तो हो गया, गर्म इलाके के जितने भी लोग हैं मतलब इधर आने से नहीं, ठंडा बर्दाश्त नहीं होगा। दिसंबर में शायद आना पड़ेगा यहाँ पर, दिसंबर में इधर का एक ब्लॉक होने वाला है जुकू वैली बोलकर, तो और यहाँ से करीब, और यहाँ से आपको 30 किलोमीटर है जखामा बोल के जगह है, वहाँ से फिर आपको पैदल जाना पड़ेगा 5-6 घंटा ऊपर हिल्स, वहाँ टावर भी नहीं रहता, नेटवर्क भी नहीं रहता है, मतलब बहुत अच्छे व्यूज है वहाँ पर, हमें आइस फॉल होते हैं मतलब आइस गिरते हैं वहाँ पर। वापस मणिपुर में देखिए MN01, ये मणिपुर में अभी भी शांति नहीं हुआ है, लफड़ा अभी भी चल ही रहा है कुकी और मणिपुरी मायते के बीच में ना, इसके लिए आर्मी लोग इधर से ट्रांसफर, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर की इधर, फिर इधर से उधर, ये देखिए सब मणिपुर, MN01 मणिपुर, सब मणिपुर से, ये सब सब मणिपुर से आ रहेगा इस आर्मी। देखिए पहुंच चुके हॉर्नबिल फेस्टिवल, जहाँ हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है दिसंबर के महीना में, तो यहाँ में रुके। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल का, यहाँ से एंट्री है गेट, अभी तो काम हो रहा है, हॉर्नबिल आने वाला है बल्कि काम हो रहा है, गेट है मेन गेट। व्यूज चेक करिए, क्या व्यूज है देखिए तो, ओ देखिए वहाँ में पूरा घर बना हुआ है, देखिए